स्वागत है रविनंदन। मैं उत्तर प्रदेश सहित जो यादव अर्थात पिछड़ा हुआ समाज है और जो मुस्लिम समाज है, उन लोगों को मैं कुछ सावधान करने के लिए आया हूँ। जैसा कि वीडियो का टाइटल है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान और यादव जो वोटर हैं, क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग आज शुरू हो गई है, हम थोड़े पिछड़ गए वीडियो बनाने में, उसके लिए आप हमें क्षमा करें, खेद है हमारे लिए। तो आज दूसरे चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। लोकतंत्र के उत्सव बड़ा तेजी के साथ में लोगों के दिलों में तूफान लिए मचल रहा है, मस्ती आ रही है। तो इसी पर मैंने सोचा कि जो मुसलमान भाई हैं स्पेशली, और जो यादव अर्थात यादव वर्ग के अंतर्गत गुर्जर भी आते हैं, जाट भी आते हैं, तो ये जितने जो लोग हैं उन लोगों को सावधान होकर वोट डालना है। और योगी से आपको सावधान रहना है। योगी से सावधान रहने का मतलब, अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बड़ा गलत किया। क्या गलत किया और किसके साथ गलत किया, मैं आपको कुछ गिनती गिनाता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किन लोगों के साथ गलत किया? अब अखिलेश जी तो कहते हैं, अखिलेश यादव, कि मुसलमानों के साथ गलत किया, यादवों के साथ गलत किया, तो बीजेपी ने अच्छा किसके साथ किया? वो केवल जाति आधारित बात कहते हैं मिस्टर अखिलेश और उनके पिता जी, समझ रहे हैं ना आप लोग? योगी सरकार ने गलत किसके साथ किया? गलत उस मुसलमान के साथ में हुआ जो गुंडे थे, जो दूसरों की जमीनों पर कब्जा करते थे, आजम खान जैसे, अतीक अंसारी जैसे, मुख्तार जैसे, है ना, जो बहुत सारे इस तरीके के जो गुंडे ममाली थे, उनके साथ में उन्होंने गलत किया। क्योंकि जो उन्होंने जनता की जमीनों को हड़पा, यह सब कार्य किया, तो उनके साथ गलत किया। मेरे पास, मैं पूरी इंडिया में घूमता हूं और 70% इंडिया में रह चुका हूं अब तक 16 साल की आयु से। हाँ, बीजेपी सरकार में जो अभी तक चुनी गई थी 2017 से अब तक रही थी, उसमें कुछ गलती से कुछ गुंडे भी विधायक बन गए थे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट को सुना बीजेपी के जो आरएसएस के कैडर है, मैंने आपको ध्यान होगा 24 घंटे के लिए एक वीडियो अपलोड किया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बरेली के इस गुंडे विधायक को टिकट मत देना, और शायद योगी जी ने उस बात को सुन लिया। उस गुंडे विधायक के कुछ पुण्य थे पिछले जन्म के। हमारे यहाँ कहावत है कि भाग्य से, बिलौटा के भाग्य से छींका टूट पड़ना। उस गुंडे विधायक के कुछ पुण्य थे कि वो विधायक बन गया, उसे टिकट मिल गया बीजेपी से, और उसने इतना अत्याचार किया, कुछ अधिकारियों के साथ में मारपीट किया बरेली के अंतर्गत। जिन लोगों ने उसको टिकट दिलवाया, बीजेपी के जो वरिष्ठतम नेता हैं, जो बरेली के चाणक्य कहलाते हैं, बीजेपी पार्टी के बहुत बड़े माहिर, मैं उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, संतोष गंगवार। संतोष गंगवार की तारीफ में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी गरीब ने अभी तक, कितनी चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो कि सरकार रही हो, बसपा की रही हो, लेकिन कभी किसी गरीब ने ये आरोप नहीं लगाया, किसी ने FIR दर्ज नहीं कराया कि संतोष गंगवार ने या उनके रिश्तेदारों ने किसी के प्लॉट पे कब्जा किया, समझना। और मजे की बात यह, संतोष गंगवार ने भी किसी के ऊपर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? जब आदमी दुनिया से चला जाता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं संतोष जी की तारीफ जीते जी कर रहा हूं, जीते जी कर रहा हूं। और तो काफी अच्छे हैं ये सब लोग। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं यादव और मुसलमानों से, यादव और मुसलमानों, तुम एक बात बताओ, क्या योगी सरकार ने कोई भी सरकारी योजना आई, चाहे मकान बनने की आई, लैट्रिन बनने की आई, माने शौचालय, क्या उन्होंने ये कहा कि ये यादवों को नहीं मिलेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा, कोई भेदभाव किया? समीकरण तो जो विश्लेषण निकल के आ रहे हैं,
वो ये निकल के आ रहे हैं मुसलमानों को 4 घर ज्यादा ही मिले हैं इस योजना के अंतर्गत, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चाहिए, पता है पूरे भारत में 1 नंबर था उत्तर प्रदेश क्राइम रेट में, और योगी की सरकार आने से, योगी ने किसी को साला कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन गुंडों के चूतड़ों में डंडा ऐसा कर दिया, उनकी मां का टना मारे साले, बवासीर हो गया इतना डंडा किया गुंडों के चूतड़ों में जो है, समझ रहे हैं ना। और एक बात और, कोई भी सरकार आ जाए, बच्चे हम और तुम पैदा करेंगे, तो योगी और मोदी अगर बच्चे खिलाने का ही काम करते तो ये अपना शादी नहीं करके बच्चे पैदा करते धड़ाधड़, बोलो। जब इन्होंने खुद अपने बच्चे पैदा नहीं किए तो हमारे बच्चों की जिम्मेदारी हम उठाएंगे क्या, योगी और मोदी उठाएंगे? हाँ, स्वास्थ्य की पता है जो सरकारी अस्पताल है कितने अप टू डेट कर दिए हैं, हालांकि सरकारी अस्पतालों में अभी भी मैं कह रहा हूं थोड़ा सा भ्रष्टाचार बचा हुआ बाकी है। भ्रष्टाचार यह है कि वो जो सारे सरकारी डॉक्टर और नर्स होते हैं वो बड़े बदतमीजी से बोलते हैं जनता के साथ। तो मेरा निवेदन है जो आरएसएस के लोग इस वीडियो को सुने, वो योगी तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि ये सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं ये थोड़ा तमीज से बात करने लगे आम पब्लिक के साथ में। बाकी व्यवस्थाएं बड़ी चकाचक। दूसरी बात, लोगों की गाय भैंस खुल जाती थी घरों से, हाथ पैर बांध के डाल देते थे, लोग ट्यूबवेलों पे रात में पानी लगाने खेतों पर जा रहे हैं, उनकी पकड़ हो जाती थी। जब ये अखिलेश की सरकार थी तो देखिए कानपुर में, माने जो ट्रेनों में लूटमार होती थी, धड़ाधड़ लूटमार होती थी, किडनैपिंग होती थी, जमीनों पे कब्जा होते थे, मुसलमानों के हाथ में तमंचा देके मुसलमानों को इसने बदनाम किया, हेलो, यादवों को इसने डकैत बना दिया, फ्यूचर खराब कर दिया, आज वो बेचारे जेल में सड़ रहे हैं। आप ही बताओ, अगर गुंडागर्दी चाहिए तो तुम अखिलेश को चुन लो, और अगर गुंडों के चूतड़ों में डंडा करवाना है जो अभी बचे हुए गुंडे रह गए हैं तो फिर योगी को लाना चाहिए। मेरे मुसलमान और यादव भाइयों, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, योगी ने न्याय व्यवस्था इतनी कठोर कर दी है, सुरक्षा व्यवस्था, पहले साला गांव का प्रधान सरपंच थानेदार को बांध के मारता था इसी अखिलेश की सरकार में, आज किसी साले विधायक की औकात नहीं है जो थानेदार या इंस्पेक्टर से दबाव बना सके इनके ऊपर, पता है। तो यही मैं बात कहना चाह रहा हूं, आतंक चाहिए, उग्रवाद चाहिए, चोरी डकैती चाहिए, लड़कियों से छेड़छाड़ चाहिए, तो टेढ़ी नाक वाले की सरकार को चुन लेना, नहीं तो योगी को लाओ और उत्तर प्रदेश को और उत्तम बनाओ। मेरा निवेदन है, मैं योगी और मोदी का किसी साले का चमचा नहीं हूं, लेकिन मेरी एक वीडियो पढ़ने पर उस गुंडे विधायक का साले का टिकट काट दिया, इस बात से मैं बड़ा आश्वस्त हो गया हूं, विश्वस्त हो गया हूं कि आने वाली अगर फिर से ये सरकार आती है तो बचे कुचे जो गुंडे हैं ना वो कीड़े मकोड़ों की तरह साले बिलों में क्या सड़के मर जाएंगे अपने यहां। ओम शांति, ओम क्रांति। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। फिर कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूं, किसी बड़े नेता का भक्त नहीं हूं, क्योंकि नेता साला हमें रोटी नहीं देगा, रोटी हम खुद खाएंगे, लेकिन कम से कम हमारी बहन बेटी जो बाहर निकल रही है उसका सम्मान सुरक्षित रहे। और मेरा दावा है 80% साली गुंडागर्दी ही खत्म हो गई, और आ गई सरकार दोबारा से तो शायद 90% 95% खत्म हो जाएगी, 100% कहीं पर कुछ भी नहीं है। जो व्यक्तिगत लड़ाइयां हैं वो तो होंगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओम शांति, ओम क्रांति।